आइए आज हम लोग एन सॉल्यूशन देखते हैं और क्लास सेवेन ये सब्जेक्ट है आपका साइंस चैप्टर का चैप्टर चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड नया इंडिविजुअल का नया जीवन का प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल पेरेंट के वेजिटेबल पार्ट से उसको क्या बोलते हैं ये आपका इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आपको वेजिटेटिव प्रोपिकेशन भराएगा बी क्वेश्चन देखते हैं ए फ्लावर में है आइडर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सच ए फ्लावर इज कॉल्ड एक फ्लावर के पास या तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग उस फ्लावर को क्या बोलते हैं ये आपका है पर फ्लावर होगा सी देखते हैं ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिगमा पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एंथर से की ओर ऑफ द सेम और एनदर फ्लावर या तो सेम फ्लावर में होता है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी होता है अब से, सेम काइंड इस नॉन ब्लैंक्स में क्या भरा आपका उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म एट मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं सीड डिस्पर्सन सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाई द मीन्स ऑफ सीट का जो छिटाव होता है किससे किससे होता है इधर उधर जो छिट जाता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर यहाँ पर एंड यहाँ पर तो आपको विंड होता है आ हवा भी होता है विंड वाटर एंड एनिमल्स यहाँ आपको विंड वाटर एंड एनिमल्स ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द डिफरेंस मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको डिफरेंट uh, मेथड बताना है और उसके एग्जाम्पल भी तो आंसर देखते हैं वेरियस मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सबसे पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम लिप्स एंड बर्ड यह एक प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक प्रकार के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें आपको प्लांट नया प्लांट उत्पन्न होता है रूट से स्टेम से एंड एंडलिप से और बड से सिंस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट और रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से इट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं अब दूसरा हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं बडिंग बडिंग क्या है हेयर द इस्माल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जैसे में ये पेड़ है और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो पत्ता निकलता है इस स्ट्रक्चर को जो भी बीच वाला एक पोर्शन निकलता है उसको बड़िंग बोलते हैं द इसमाल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द येस्ट फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द येस्ट सेल इज कार्ड बड स्माल एक बल्ब लाइक -like प्रोजेक्शन होता है यश से निकलता है उसी को हम लोग बल्ब बोलते हैं ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट अटैच डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल और वह लगातार बढ़ते रहता है और अटैच हो जाता है अपने पेरेंट सेल से एंड फ्रॉम द ऑर्गनीज में और एग्जाम्पल में ले लीजिए येस्ट है द न्यू येस्ट ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यूस्ट एक नया यीस्ट धीरे धीरे बढ़ता है और फिर मैच्योर होता है और फिर एक नया बहुत सारा यीस्ट को बना देता है इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अगर यह कंटिन्यू रहता है प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ़ यीस्ट आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा यीस्ट वो बन जाता है अगला देखते हैं इसका पार्ट यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेक्शन का आपका फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन इन एलगी आपको ये फ्रेगमेंटेशन आपको एलगी में होता है दिस आर स्लिमी ग्रीन पेस्ट इन द पॉन्ड और ये जो हरा टाइप का ग्रीन रहता है पॉन्ड में और इन अदर स्टाइगेंट वाटर बॉडीज और कहीं भी पानी का जमा होता है वहाँ पर आपको ये रहता है वेन वाटर एंड न्यूट्रेंस आर एवेलेबल एलगी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रेपिड रेपिडली बाई फ्रेगमेंटेशन वाटर और न्यूट्रेंस जहाँ एवेलेबल रहता है वहाँ पर लगातार मल्टीप्लाई करके ज्यादा एलगी ग्रो हो जाता है फ्रेगमेंटेशन मेथड से एंड एलगी ब्रेक अप इंटू टू और मोर फ्रेगमेंटेशन और वहीं एलगी एक से और एक से ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है दिस फ्रेगमेंटेशन और पीसेस ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल और यहीं फ्रेगमेंटेशन एक नया इंडिविजुअल बनाता है दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड देख कोवर लार्ज एरिया इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इस तरह से यह लगातार कंटिन्यू रहता है और शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा एरिया रिकवर कर लेता है अगला देखते हैं इन्हीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको एस्पोर फॉर्मेशन तो एस्पोर फॉर्मेशन हम लोग देखें द ऑन ए ब्रेड विशेष विच आर प्रेजेंट इन एयर जो हवा में प्रेजेंट रहता है और जो ब्रेड जो ब्रेड के ऊपर में फंजाई जम जाता है इसके चलते आपको स्पोर के चलते ये आपका सिंपल फंडा है वेन स्पोर्स आर रिलीज दे की फ्लोटिंग इन द एयर जैसे स्पोर रिलीज किया जाता है तो वो हवा में तैरने लगता है एज दे आर वेरी लाइट दे कैन ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत हल्का होता है बहुत लंबे दूरी तय कर सकता है स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज स्पोर्स सबका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विद स्टैंड अन फेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेंपरेचर एंड लो ह्यूमिडिटी स्पोर के ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कोट रहता है जिसके चलते हाई टेंपरेचर और लो ह्यूमिडिटी पर भी वो कंडीशन को अडैप्ट कर लेता है सो दे कैन बी सरवाइव फॉर लॉन्ग टाइम इसीलिए वह लंबे समय तक अपना जीवन काल व्यतीत करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन न्यू इंडिविजुअल और एक जो फेवरेबल कंडीशन आता है क्या करता है? आपको जर्मिनेट कर देता है और कर देता है प्लांट सच मोस एंड दीन्स ऑफ एस्पोरस के जरिए से आपको मोस भी जर्मिनेट होता है तो ये आपका आ, फिगर है ब्राइडोफाइलम एंड ब्राइडोफाइलम पोटाइटो ये आपका स्ट्रक्चर है देखिए न्यू प्लांट ग्रो होता है ये आपका न्यू प्लांट ग्रो हुआ फ्रॉम द नोज नोज से आपका न्यू प्लांट हुआ ये ब्राइडोफाइलम का है और ये न्यू प्लांट फ्रॉम एराइजिंग फ्रॉम बर्ड ऐसे में पोटैटम होता है तो जो बर्ड निकलता है वहाँ से आपका प्याई है और ये सूट सिस्टम है ये रूट ये नीचे वाला रूट सिस्टम है तो आइए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री या आपका ये है एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल और फीमेल जो होता है दोनों का जो गैमेट होता है फ्यूज करता है एक दूसरे से जुड़ता है और चाइबोड बनाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन और टू पेरेंट्स आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और दो पेरेंट का जरूरत होता है डिफरेंट कैमेट को बनाने के लिए एंड अल्टीमेटली आफ्टर जयगोड परमिशन न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स और उसके बाद आपको जयगोड परमिशन के बाद आपको एक नया जीवन उत्पन्न होता है फॉर्म होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अगर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल uh, रिप्रोडक्शन आपको सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बताना है तो ये ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड नया प्लांट आपको सीड से पाया जाता है प्लांट्स कैन बी गिव राइज टू द न्यू प्लांट विदाउट सीड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सीड की जरूरत नहीं होता है टू पेरेंट्स आर रिक्वाय टू प्रोड्यूसल दो पेरेंट होता है अगला पॉइंट देखते हैं सेक्सुअल रिपोर्टक्शन का टेक्स प्लस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सेक्सल और इसमें जो होता है सेक्सुअल रिपोर्डक्शन में एक खास सेक्सल की जरूरत होता है उसकी हेल्प से आपको होता है और इसमें ए सेक्सुअल में नो सेक्स सेल आर रिक्वायर्ड इसमें सेक्स सेल की जरूरत नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको न्यू इंडिविजुअल हैज कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट नया इंडिविजुअल के लिए दोनों पेरेंट के कैरेक्टर की, की जरूरत होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर ऑफ न्यू इंडिविजुअल आर द सेम एज दैट ऑफ पेरेंट इसका जो कैरेक्टर होता है नया इंडिविजुअल का एक ही पेरेंट से वही पेरेंट से आपका उसका कैरेक्टर होता है कि से आपका नया इंडिविजुअल बन जाता है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपका है स्केच द द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्केच करना है यानी कि उसका फिगर बनाना है देखिए ये आपका रि, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ये मेल है ये फिलामेंट है और ये एंथर है ये आपका मेल होता है एस्टेमिन और फीमेल का आपका पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्ट पार्ट का ये पिस्टिल होता है इसमें आपका ओवर होता है और ये ओव्यूल होता है ये ये स्टाइल और होता है है सिंबल आपका फिगर रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस क्रॉसिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस

और क्रॉस फ्लावर में आपका होता है देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर ऑफ़ अनदर फ्लावर जो एंथर पोलन ग्रेन होता है फ्लावर uh, का जो एक एंथर होता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा और आपको सेम होना चाहिए यह आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा नो पोलिनेशन एजेंट इज रिक्वायर्ड और इसमें आप पास है पोलिनेशन में कोई एजेंट की जरूरत नहीं है अ पोलिनेशन एजेंट लाइक विंड वाटर एयर और इंसेक्ट आर रिक्वायर्ड हवा पानी और कीड़े मकोड़े की जरूरत होता है क्रॉस पोलिनेशन में अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर थ्री। अकर्स ओनली इन द बाईसेक्सुअल फ्लावर और इसमें सेल्फ पोलिनेशन आता बाईसेक्सुअल फ्लावर में होता है अकर्स इन यूनिसेक्सुअल एंड मोनो

देखिए, एक ही स्पेसिज के फ्लावर पे जब पहुंचता है स्टीमा इट स्टार्ट दॉलेंस दब स्टीमा के पास पहुंचता है एक ही स्पेसिज के फ्लावर पे इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इंटू दिन टीब और यह पॉलेंड टीब में स्टिगमा के ऊपर पॉलिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो होता है द ट्यूब कंटिन्यू टू ग्रो इन साइड ट्यूब है स्टाइल के अंदर में ग्रो होता है टी इट रिचेज दूल जब तक ग्रो होता है तब तक वह के फॉर्म में नहीं हो जाता है मेल सेल्स रिलीज इन टू दूल फॉर फर्टिलाइजेशन और मेल सेल्स होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल में रिलीज होता है विथ द फीमेल एग फीमेल एक के साथ एंड थर्स जाइगोट ये फॉर्म के बाद जाइगोट बन जाता है आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस के बाद तो ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल इनटू सीड है ओवरी क्या होता है फ्रूट में बदल जाता है और ओव्यूल आपका सीड हो जाता है अनाज में बदल जाता है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच द सीड्स आर डिस्पर्स बहुत सारा प्रोसेस बताइए डिस्क्राइब कीजिए जो सीड्स को हम लोग डिस्पर्स हो जाता है नेचुरली तरीके से आइए आंसर देखते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे इन द फ्लोइंग वेज सबसे पहले कैसे है डिस्पर्सन होता है डिस्पर्सन बाय द विंड विंड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक्स एंड मैपल लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हैरी सीड्स एंड हैरी फ्रूट ऑफ सन फ्लावर गेट बलोन बलोन ऑफ दवे प्लेसेस से आपको जो हल्का सीड है इसका खाने का मतलब जो भी हल्का सीड होता है जैसे में हैरी होता है जो सीडें है, हैरी फ्रूट होता है वह हवा के झोंके के थ्रू बह के बहुत दूर तक चला जाता है अब पानी के साथ कैसे जाता है ये देखिए डिस्पर्सन पाई द वाटर सन सीड्स आर डिस्पर्स पाई द वाटर

और एनिमल एनिमल के जो बॉडी से अटैच हो जाता है एंड कैरी टू डिस्टेंस जगह चला चला जाता जाता है। है। एंड ये ये दो दो आपका हुआ अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन बाय द एक्सपोजन ये फटने के चलते में आपको डिस्पर्सन uh, हो जाता है कुछ ऐसा फूड होता है जैसे में अचानक फटता है और जर्क होता है द सीड्स आर स्कैटर्ड फायर फ्रॉम द दैरेंट से आपको फार चला जाता है दूर चला जाता है दिस द केस ऑफ कैस्टर एंड के और ये आपका कैस्टर और प्लास्म में होता है ये एग्जाम्पल हो गया आपका ड्रम स्ट्रक हुआ ए में हुआ आपका ड्रम स्ट्रक ये सीट हुआ और मैपल हुआ पी का हुआ और ये आपका हैरी प्रूफ ये हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर हुआ हैरी फ्रूट हुआ और भी होगा हैरी सीड ऑफ मैडर आपका हुआ और ये आपका जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं जो फट के अपने पेरेंट्स से जाता है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं मैच आइटम इन कॉलम वन एंड दो जिन कॉलम टू ये आपको आइटम को मैच करना है ये आपका बर्ड में होता है आइस में रहता है

प्लांट का रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है लीफ है आपका एस्टीम है रूट है फ्लावर है तो आपका फ्लावर होना चाहिए आइए आंसर भी देख लेते हैं एक का आपका फ्लावर है सही है आपका फ्लावर है ये आपका आंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड मेल और फीमेल गैमेट का जो आ, जन का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं सीड फॉर्मेशन आपको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं अगला बी तो का आंसर भी देख लेते हैं आपको क्या होता है फर्टिलाइजेशन बी का आपको बी का आपको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं आंसर बी का फर्टिलाइजेशन ये आपका आंसर रहा सही है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द मैच्योर ओवरी जो फॉर्म्स करता है क्या सीड बनाता है स्टेमेन होता है पिस्टिल होता है फ्रूट होता, होता है आपका फ्रूट बनता है सी सही है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं एक्सपोज रिप्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग प्लांट इज एक्सपोज जो होता है प्लांट को रिप्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं रोज होता है ब्रेड माउल्ड होता है पोटैटो होता है जिंजर होता है आपका ब्रेड माउल्ड होना चाहिए ठीक है इन सब देख लेते हैं ठीक है आपका ब्रेड माउल्ड सही है आपको ब्रेड माउल्ड भी आंसर होगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स स्टेम रिप्रोड्यूस होता है स्टेम के चलते होता है लिप्स के चलते होता है रूट्स के चलते होता है फ्लावर के 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 आपका रूट्स चलते चलते होता है कैन रिप्रोड्यूस इट्स तो आज के लिए इतना ही आज आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया तो अभी तक भी. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न आपका मेरे चैनल का नाम है टू लर्न सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालू तो आज के लिए इतना ही आप सबको तो धन्यवाद